नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ लाइव। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील की पंचायत समिति, आज ये पंचायत समिति विवादों के घेरे में आ गई है। यहाँ के सहायक वीडियो से लेकर यहाँ के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी और कमीशनबाजी के आरोप लग चुके हैं। सहायक वीडियो खनंदे व यहाँ के ही अधिकारी कासदेकर इन पर वसूली के आरोप लगे हैं, जो लगाए हैं यहाँ के ठेकेदार किशोर कासर। इन्होंने ठेकेदारी के कामों में जो बिल निकलते हैं, ये बिलों में 5% कमीशन वीडियो से लेकर ये अधिकारी यहाँ पर इनसे मांगते हैं। इनसे ही नहीं तो हर ठेकेदार से 5% कमीशन मांगा जाता है। ये सनसनीखेज खुलासा किया है खुद किशोर कासर। इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात जानकारी दी कि जब यहाँ पर अपना काम करने के लिए आए थे, सभी बिल होने के बावजूद, सब डॉक्यूमेंट होने के बावजूद, वो पूरे काम हो जाने के बावजूद यहाँ के अधिकारी इनका बिल नहीं दे रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों का बोलना है कि जो 5% कमीशन है वो उन्हें पहले मिल जाना चाहिए, उसके बाद में ही वो उनके बिल पास करेंगे। इस बारे में हमने सबसे पहले कासदेकर इनसे बातचीत की जब हमने कासदेकर से बातचीत की तो उनकी हवाई उड़ गई थी। चेहरे से ही पहचान में आ रहा था कि वे झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनसे पैसे नहीं मांगे। हमने इस वक्त कासदेकर इनका पूरा स्टिंग कर लिया था। आखिर में कासदेकर से हमारी क्या बातचीत हुई वो आप खुद देख लीजिए। इनसे विषय का निम्का तो थोड़ा समझ गया था होता आपका कहाँ बेड़ कर रहा, मतलब क्या हुआ? मोड़ा काम सर जी साहब, तू सब ओके हो ना? कागज डॉक्यूमेंट जरा भी तुम लाके दो। और परसेंटेज भी पहले होना परसेंटेज काम की जो अमाउंट है अपनी बिल की, उस पर साहब को 1% देना पड़ता है। 1% वो खानंदे साहब पे करते वो बिठा के यहाँ पे कुछ मध्यस्थी करके शासकीय कर्मचारी रह गए। ये जैसा यहाँ दलाली को स्वरूप दे रहे हैं, मध्यस्थ कर रहे सर। वीडियो वीडियो साहब के पैसे भी इनके पास देना पड़ता है, लेखापाल के भी पैसे। आप परसेंटेज से विषय का नहीं होगा काय बोलू मैं तुमसे। हां तुम्ही फक्त जरा बोलू, तुमच्या समोर म्हणतात ना की त्यांनी परसेंटेज बोलले म्हणून मी कधी बोलू, तुम्ही कधी सांगा मी कधी बोलू। उद्दीन साहेब ने की दिन होने यहाँ बिठा के खानंद साहब को पैसे दिलाए। एक मिनट बड़ा खानदान साहब के बैठ गया शायद वीडियो है। हाँ तो उनका क्या भी सही लगती है नोटशीट पे। हाँ तो इन्होंने यहाँ बिठा के इनके जगहों पे इनके वरिष्ठ है। हाँ इन्होंने सही दिलाया के पहले पैसे दिलाए ना मेरे से। खानंद साहब को आपने पैसे दिए? हाँ। कितने दिए? 2000। ठीक है शाह जी, मैं तुम इतने बसून बोलना समझ ला मंडा की मैं महीना भर से चक्कर काट रहे हैं। वो जेई की गलती से मेरी सीसी कर सीसी रही थी, काम कंप्लीट किए की सीसी रही थी वो सीसी ये सही नहीं, मेरी गलती है कि इसमें मैंने अमरावती से जाके आदमी भेज के 3 चक्कर मेरे आदमी से कल सही बुला के भी दिया उनको। फिर मैं बोलता तुमको अर्धवट काम कर रहा है तो ठीक है पैसे दे दो, तुमको ओके भी होना तो पैसे का आएगी होना। फिर तुम्हारे पैसे कब होने को रहा जब काम में कोई त्रुटि है, काम अर्धवट है, सया बाकी है या हमको ढमको, उसमें जो भी काम 100% आपका पूरा रेडी कर दिया उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट काम तो हो ही गया। हाँ अभी दिया हमने अभी फिलहाल 5 मिनट नहीं मेरे को काम के बाद में काम और ना कुटचा काम आज देवमाळी ग्राम काय का नाम होतं नाही मला 100 मधून 1 गोष्ट सांगा सर की हे असं यांचं असं म्हणणं आहे की तुमच्या जागेवर ते साहेब इथून येऊन बसतात आणि इकडं ते त्यांचा पैशाचा व्यवहार होतो आहे आणि हे म्हणतात की त्यांना पैसे दिले तर नेमके कशाचे दिले? आपल्या जागेवर येऊन जर ते कारभार करतायत तर मला आपल्याला माहिती असेल बसू शकतात। बरोबर आहे, एक तो मैं झूठ बोल रहा है यांच्या कामामध्ये काय असा प्रॉब्लेम झाला की आता आता आणलं त्यांनी सीसीचा प्रॉब्लेम होता सीसी घेऊन आला अच्छा काल त्यांना 7:30 बोलावलं ते म्हणजे अमरावतीला 5 वाजेपर्यंत आलं तर चालते माझं तू होणार
ओके झालं सर यांच्या सगळ्या झालेल्या आता हे आणलेलं आहे आता हे आणल्यावर आता फक्त वित्तीय विभागामध्ये फक्त झेरॉक्स द्यायला लागतं म्हणजे एक्स्ट्रा झेरॉक्स आला इतकंच विषय झाला फक्त त्याचं अच्छा 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 बाकी काही आणि पूर्ण ओके आहे सगळ्या झाल्यावर येतात ऑलरेडी फाईल जो तयार करायचे होणार उनको दो बार दे चुकी आहे अतिरिक्त अतिरिक्त झेरॉक्स होणार हे होणार हे हमको मालूम आहे नाही किसको मालूम रहता है स्टाफ को बता रहा हाँ जो भी डॉक्यूमेंट लगते रायटी लगती सीसी लगती मेरे को मालूम आ गया मैं उनको चार चार बोल रहा कि मैं यहाँ ग्राम पंचायत में नया आदमी हूँ इधर मेरे को मालूम नहीं फिर तुमको ओके करके हो ना एक तो ओके करके डॉक्यूमेंट लो नहीं तो फिर पैसे लो पैसे कब देता आदमी कुछ कम नजर आ रहा है कुछ टूटे उठे सचिव पठान मैडम है पठान मैडम ये हर प्रत्येक सचिव के मार्फत पैसे लेती है मुँह पे बोल रहे तुम्हारा काम काय का है रोड का कौन कहाँ के रोड का है देवमाड़ी देवमाड़ी इनको तुमने वो रोड का काम कर दिए कब होगा तुम्हारा काम बहुत जमाना दोस्तों महीना भर के भी ऊपर है ना अब इनको तुमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए पूरे किनके पास दिए आपने इनके पास इनके पास में क्या नाम है इनका काजदेकर साहब को दिए तुमने ठीक है अच्छा अब इन्होंने आपको क्या बोला इन्होंने ये बोला कि ये भाई मेरे को तुम लाओ हाँ ये सीसी रह गई थी उसमें हाँ, मेरे को मालूम ही नहीं ठीक है जेई की गलती थी उसमें हाँ, चलो ठीक है वो भी अपन करके दे रहे हाँ, उसके बाद में रायटी का रहता हाँ, पर मैं बोलता वैसा भी जो भी हमारा देना रहता ये ओपन है सबको मालूम है हाँ, ये दो बात हाँ, सारी दुनिया को मालूम है पैसे लेते खाते रेगुलर पर मैं बोलता तुम्हारे को जब डॉक्यूमेंट ओके हो ना तो थोड़ा इधर उधर मैडम या डिप्टी मैडम आती थी लास्ट सही लेते थे मैं महीना भर से चक्र काट रहा इनके पीछे नहीं मतलब तसा जमा था नहीं मतलब ओके भाई जी इनको सब ओके होना सब तो उन्होंने मेरे को पहले दिन बोलना फिर काय को रोड बुलाना सचिव के आस्ते फिर एक दो बार मैसेज देना सचिव के मार्फत धंधा करती है पैसे का मैसेज दिया इन्होंने सचिव के मार्फत इनको भेजो सचिव को भी फिर बोलते नहीं डायरेक्ट वो मेरे को होना ठेकेदार से बात करो पैसे लेने देने अच्छा तो इनको कितने पैसे दिए आपने इनको पैसे होना नकदी अभी होना तो कितने एक परसेंट कितने इनको अभी 4-5 हज़ार रुपये देना पड़ा 4 या 5 1% इनका 2 लाख पे 2% बीडीओ के 2% 1% उसका लेखापाल का लेखापाल कौन लेखापाल क्या मैम कौन है भाई अपन तो नवे है कौन है वो लेखापाल आता तुम्ही बीडीओ ले विचारू शकता मले तो बिल आता जेवा दिन जेवा घे तुम्ही तुम्ही बीडीओ साहेबाला विचारा लेखापालले विचारा की साहेब यांच्या कौन आहे लेखापाल कौन आहे चालते कर कौन आहे नाव काय मेहरे आहेत का सध्या आहेत का म्हणलं सर जैसा कि आपने देखा यहाँ पर किशोर कासर इन्होंने काजदेकर के मुंह पर बोल दिया था कि आपने मुझसे पैसे मांगे थे और आपके जो सहायक वीडियो है खनंदे इनको आपके केबिन में आपके कुर्सी पर बैठा कर यहाँ पर मैंने पैसे दिया था 2 से 3 हज़ार की अमाउंट दी गई थी यहाँ पर खनंदे को जो कि यहाँ के सहायक वीडियो है इसके बाद में हमने सहायक वीडियो खानंदर से फोन पर चर्चा करने की कोशिश की पर उन्होंने जब हमने उनको पूरी जानकारी दी कि किशोर कासर इन्होंने आप पर और कमीशनबाजी के आरोप किए और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आपको 3,000 रुपये दिए हैं तो एकदम से उन्होंने फोन काटते हुए ये कहा कि अभी मैं यहाँ पर मीटिंग में हूँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ग्राम पंचायत देवड़ी संबंधित पंचायत समिति के अध्यक्ष है वहाँ पे हमने ऑनलाइन टेंडर बोल के दलित अस्थी का काम किया मेरी मिसेज है दुर्गा मोजे के नाम पे कॉन्ट्रैक्टर से हम करते छोटा मोटा काम है काम कंप्लीट हो गया करीबन 1 महीने के ऊपर हो गया इसमें संबंधित जेई की गलती की वजह से हुआ नया नया काम कराड़े मैडम करके है अच्छा इन्होंने सब इस पर साइन होके करके दिए काम कंप्लीट करने के बाद में सीसी सर्टिफिकेट वाला काम कंप्लीट हो गया करके वो सीसी नहीं बनाने की वजह से क्या हो गया विस्तार अधिकारी है काजदेकर साहब के पीछे हम महीना भर से घूम रहे हो बिल लेके अब वो सीसी के ऊपर साइन रहेगी डिप्टी मैडम जो यहाँ पे है अभी संबंधित जिला परिषद की अब उनके बाद में ई का चार्ज रहने से वो यहाँ आ नहीं रहे मैंने 3-4 बार आदमी भेज के वहाँ से वो मैडम मिली नहीं दौरे पर रहती जिले का कारोबार उनके तरफ तो कल वो मैडम वहाँ मिली मैंने उनसे वहाँ से साइन लाया और साइन लाने के बावजूद यहाँ पे काम कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट्स बिल निकालने के लिए लगते वो देने के बावजूद भी काजदेकर साहब तकलीफ दे रहे काजदेकर साहब का ऐसा रहता
संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से वो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर को पैसे का बोलती, तो वैसे ही यहाँ मेरे साथ हुआ। कितने पैसे मांगते हो? ये अकेले की नहीं रहती, इसमें इसमें वीडियो साहब, सहायक वीडियो, खुद वो विस्तार अधिकारी और लेखापाल, ऐसे इनके कुल मिला के इनके 5-6% पैसे रहते बिल के ऊपर। लेखापाल कौन है? लेखापाल तो मेरे को मालूम नहीं, नया कौन है तो अभी, मगर वो खानंदे साहब के पैसे उस दिन उन्होंने उनके कैबिन में बैठ के दिला दिए नकदी, और वीडियो के और उनके खुद के खाते करके साहब के पैसे उनको नकदी होना था। कितने पैसे दिए आपने खानंदे साहब को? उनको मैंने दिया 2000 रुपये बिल के, 2,00,000 रुपये। अच्छा, आपका ऐसा बोलना है कि ये जो सहायक वीडियो है खानंदे साहब, आपने इनको 2-3 हज़ार रुपये दे दिए? दिए बिल्कुल नकदी, काचेकर साहब के समीप उनके कैबिन। यानी ये जो 5% कमीशन था, ये उसमें की अमाउंट ही 2-3 हज़ार जो आपने उनको दे दिए है? आपके ऊपर अधिकारी से लेके तो नीचे तक का सबके यहाँ पे कमीशन लगा है, भ्रष्टाचारी है। हाँ, मेरे को बताओ, जनता की सेवा करने वाली अधिकारी, शासकीय कर्मचारी रह के ये खुद का खुद तो भ्रष्टाचारी है। साथ में इनके इनके वरिष्ठ से लेके इनके जो कनिष्ठ है लेखापाल वगैरह, उनके भी पैसे ये खुद जमा करके रखते। हाँ, वो उनका कहना ऐसा है कि उनका तो तुमने कर दिए। हाँ, तुम्हारा अब डॉक्यूमेंट हो गया, अब तुम्हारा वो वरिष्ठ अधिकारी खान जो वीडियो वगैरह वो आने के है। हाँ, तो वो तुम मेरे पास में पैसे दे दो। हाँ, तो फिर मैं इनसे तुम्हारी सया वया करके लेता। हाँ, फिर तुम्हारे को हम चेक बना के देंगे। ऐसा इनका भ्रष्ट कारोबार है यहाँ। आप जैसे बोल रहे कि वीडियो को अपने 2-3 हज़ार दिए, सहायक वीडियो खानंदे को 2-3 हज़ार दिए, तो इन्होंने खुद मांगे या किसी के थ्रू मांगे थे आपसे? ये काजदेकर साहब के थ्रू, काजदेकर साहब अपने लाए ना उनको। अच्छा, मीडिएटर काजदेकर है। हाँ, उस दिन परसों के दिन मेरे को शाम में बुलाया गया यहाँ। परसों के दिन शाम में मैं आया, उनकी साइन हुई पहले नोटशीट पे, और बोले ठीक है हमारा कर दो, उनको मैंने पैसे दिए। अब उस पर आप वीडियो की आपका ऐसा बोलना है कि सहायक वीडियो जो थे उन्होंने काजदेकर के केबिन में आके आपसे पैसे लिए हैं? लिए हैं। चलिए ठीक है। ये काजदेकर साहब ये तीनों चारों लोगों की मध्यस्थी करते हैं। हाँ, और सबकी अमाउंट जमा करके यहाँ ये भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है, खुद इनके हाथ से ये वाटअप करते हैं पैसे। आखिर में अब ये पूरा मामला क्या है, हम अब ये सहायक वीडियो खानंदे से बात करके हम आपको बहुत जल्द ये पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन आज यहाँ पर इन आरोपों से एक बात खुलकर सामने आ गई है कि यहाँ के अचलपुर के पंचायत समिति में कमीशन खोरी और रिश्वत खोरी खुलेआम चल रही है, जिसका नतीजा आज ये मामला हमारे सामने आ गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक लिए जाए दीजिए, नमस्कार।